है लोग मुझसे पूछते हैं दी ये पुत्तन कौन है, तो पुत्तन मेरी कहानी के किरदार हैं। मेरी फनी वीडियो देखिएगा पुरानी। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंडर राखी। तो गुजरा हुआ जमाना वास्तव में कभी वापस नहीं आता है, चाहे वो बचपन का हो, जवानी का हो, बुढ़ापा का हो, कुछ भी। जैसे गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आता, सर जुबान से निकली हुई कोई भी हमारी बुरी कड़वी अच्छी बात दोबारा वापस नहीं आती। जुबान से कहते हैं तीर एक बार कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, इसलिए इंसान को हमेशा सोच समझकर अच्छा बोलना चाहिए। कभी भी मुंह से ऐसे अपशब्द ना निकालें जिससे लोगों को कष्ट हो, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता, क्योंकि मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती और वो दिल की तरह दूसरे के इंसान के दिल पे चुभ जाती है। तो उसी तरह गुजरा हुआ जमाने की बात करें तो देखिए, हम लोग कोई भी हुआ बचपन माँ बाप के साये में गुजर जाता है। 20 साल तक शादी के बाद हम लोग सपने, इंसान पहले के टाइम में तो इतना प्रॉब्लम रहती थी लोगों को, आज के पास पैसा लोगों के पास है, पहले के टाइम में गरीबी ज्यादा थी और समय निकल जाता है ना, तो समय वापस नहीं आता है। कहते हैं जब इंसान के पास सब कुछ होता है ना तो शरीर साथ छोड़ देता है, दांत नहीं रहते या बहुत सी प्रॉब्लम शारीरिक मानसिक पैसा होता है तो नमक खा सकता है ना, घूम सकता है ना, फिर सकता है, तो टाइम कभी वापस नहीं आता। और 90% लोगों के साथ ही होता है। जवानी में क्या होता है, जवानी में माँ बाप के उसमें हम लोग जितना घूम फिरे या खाने पीने उतना ही कर पाते हैं, और शादी के बाद क्या होता है, शादी के बाद बच्चों में फिर हर माँ बाप यही चाहते हैं मेरा बच्चे अच्छे से अच्छा एजुकेशन ले, अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए और अच्छे से अच्छे, मैं उसको अपने मुंह का निवाला भी एक माँ निकाल कर माँ बाप दे देते हैं कि बच्चा मेरा पहले खा ले। तो हम लोग सेक्रीफाइस लेडीज को क्या है बचपन में भी और जवान जब शादी हो जाती है तो बच्चों के लिए, तो हम लोग की जो लाइफ है ना एक स्टेज तक 50 ईयर्स तक आते आते सेक्रीफाइस ही होता है। फिर उसके बाद जब भगवान सब कुछ देता है, सब सेटल, बच्चे भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो हम लोग इस लायक किसी की स्थिति नहीं रहती। किसी का पेट खराब है तो खा नहीं सकता, किसी के आंखें कमजोर हो गई, किसी का कुछ, किसी को लगा रहता है, तो वो टाइम जो जवानी का होता है, अगर कहते हैं ना बहुत कम लोग होते हैं जो बचपन जवानी और बुढ़ापे में तीनों टाइम ऐश की जिंदगी जी लेते हैं जो लोग, नहीं तो किसी का बचपन अच्छा कटता है, किसी की जवानी अच्छी कटती है और किसी का बुढ़ापा अच्छा कटता है, किसी की दो चीजें अच्छी कटती हैं। एक स्टेज जरूर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस रहता ही है लाइफ में, तो वापस जमाना कभी नहीं आता चाहे जिंदगी में। इसलिए जिंदगी एंजॉय कीजिए, और एंजॉय की तो बात करिए, इस समय कोरोना ने घर में ही एंजॉयमेंट खत्म कर दिया है, क्या करे इंसान। इसलिए इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, बहुत बेबस है, सभी सब ऊपर वाले के हाथ में है। और फ्रेंड्स बताइए क्या हो रहा है। और कल मेरी जो मैंने वीडियो बताई थी ना, मैंने अपनी वीडियो 32 वीडियो डिलीट करनी थी, उसमें बहुत से लोगों कमेंट्स आए थे दीदी ऐसा करते हैं, दीदी वैसा करते हैं, लेकिन अभी मेरा मोनेटाइज नहीं होता, कल को कोई भी प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया, ऑप्शन ही यही था डिलीट करने का। चलिए जो है मेहनत रंग लाएगी, कभी ना कभी तो रंग लाएगी, आप लोगों का साथ बना रहा, मेहनत जरूर रंग लाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस नहीं खोऊंगी। मैं कॉन्फिडेंस मन में आता है लेकिन साथ बनाए रखूंगी, आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहूंगी। और प्लीज आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए, एलबी के लिए मुझे टाइम नहीं होता, जिससे मैं एलबी कराऊ मुझे लगता है मैं एलबी कर भी नहीं पाऊंगी, पता नहीं मैं एलबी, पता नहीं ऐसा लगता है मैं बोल भी पाऊंगी नहीं एलबी, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं एलबी स्टार्ट नहीं करा। एलबी के लिए कम से कम 2-3 घंटे चाहिए, तो वो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, ठीक है ना। काफी हो रही है, देखिए अभी मेरा पंखा चल रहा है, गर्मी इतनी हो रही है ना कि एसी अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, गर्मी लगती है। रात में क्या हुआ, बहुत गर्मी थी तो मैंने 5-10 मिनट एसी चला दिया था 25 पर, लेकिन गर्मी इतनी है ना तो एसी क्या चलाना ही पड़ेगा। कूलर में गर्मी लगती है क्योंकि कूलर में हमें, मेरे को कूलर की हवा पसंद नहीं आती, कहते हैं चिपचिपाहट सी लगती है कूलर में,
तो अभी पता हमारा एसी बंद है, मेहुल लेकिन रोते हैं रात में, मम्मी थोड़ी देर एसी चला दो एसी चला दो, लेकिन अभी एसी का टाइम नहीं है क्योंकि लोग गर्मी बर्दाश्त कर लो लेकिन एसी की वजह से जुकाम बुखार सर्दी बहुत वैसे भी फैल रहा है और वैसे तो इसलिए डर लगता है, एसी चलाना नहीं चाह रहे हैं। तो मेहुल रोते हैं लेकिन हाँ बच्चों की गर्मी तो है ही काफी। और फ्रेंड्स बताइए क्या हो रहा है। तो अब पता है मैं इस समय बज रहा है 11:30 और 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बजे मैं अब फ्री हुई हूँ लेकिन मेहुल ने अभी नाश्ता नहीं किया है। मेहुल को नाश्ता करा दूं, पहले पराठा सेकूंगी मेहुल के लिए, पहले मैं जस्ट नहा के निकली थी मैं फिर मैंने सोचा लाइए वीडियो थोड़ा सा कर लूं कंप्लीट, और फिर शशि तो आ नहीं रही है ना काम की लिए, तो मैंने पता है सारा ये देख किचन कितना नीट एंड क्लीन मेरा किचन, मैंने आज किचन की डीप क्लीनिंग सफाई और सारी ये माइक्रोवेव अंदर तक धो करके इसको ये सब कर करके आज टाइल्स वगैरह देखिए सब चमक रहा है, सब किया डीप क्लीनिंग मैंने किचन की सारी, सारे बर्तन दोबारा से धो धो के सारे कप वगैरह, क्योंकि किचन में ना क्या होता है जब हम लोग कुछ खाना वाना बनाते हैं ना चिपचिपाहट सी जमने लगती है ना कप में गिलास में, तो आज मैंने सब हटा करके सफाई की है तो इसलिए मुझे आज बज गया था 11:30। तो जस्ट मैं नहा कर ही आई थी तो मैंने थोड़ा वीडियो स्टार्ट कर लूं, और मेहुल को अभी मैंने कुछ हल्का फुल्का खरबूजे की मींग, ताकत की होती है मैंने खरबूजे की मींग और मुनक्के मॉर्निंग में और रात में सोते पे जरूर देती हूँ मेहुल को, क्या हम तीनों लोग ही खाते हैं डेली ठीक है, वो दे दिया और बादाम दे दिए, ये तीन चीजें देकर वो खा लिया। मेहुल को सेकने जा रही हूँ पराठा ठीक है। सुबह मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी अनूप के लिए, लाइट खाना कह रहे थे थोड़ा लाइट खाएंगे, तो लौकी की सब्जी सुबह बनाई थी मैंने ठीक है ना। और आज मैंने बनाए हैं चौलाई के पतौड़े, जरूर देखिएगा रेसिपी ठीक है, वैसे सब बनाते होंगे बहुत टेस्टी लगते हैं ना चौलाई के पतौड़े ठीक है। बहुत सी सिस्टर्स हैं मेरी यूट्यूब पर, पता है कमेंट ज्यादा करती है दीदी आप कुछ भी मत दिखाया करिए बस अपनी बातें सुनाया करिए, आपकी बातें बहुत प्यारी लगती है सब लोग एक दीदी आपकी बातें बहुत प्यारी लगती है ना, आप सिर्फ बात करा करिए ठीक है थैंक यू। पता है कोई फनी वीडियो पुत्र के साथ और ताऊ के साथ नहीं ला पाई हूँ क्योंकि इस समय कोरोना के दौर की वजह से ना माइंड में बहुत सारे मेरे आइडियाज हैं फनी वीडियो के, लेकिन मैं फनी वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, पता है अच्छा मन ही नहीं होता फनी वीडियो बनाने का भी ताऊ और पुत्र की, और मुझे लगता है एक दिन मेरी वीडियो ताऊ पुत्र ही की वायरल होगी और वायरल हो भी रही है, दो पुत्र की वीडियो वायरल हो शॉर्ट वीडियो मेरी, तो पुत्तन शायद मुझे किसी मुकाम तक ले जाने पे मेरी सक्सेस के लिए कामयाबी के लिए शायद पुत्तन की जो सीढ़ी बनाई है शायद मुझे पुत्तन वो सीढ़ी मुझे आगे बढ़ाने के लिए कामयाबी मिले शायद उसमें पुत्तन मेरी वीडियो के मेरी फनी वीडियो के मुख्य किरदार जो काल्पनिक है। बनाएंगे चौलाई के पतौड़े, इस समय बज रहा है 5 और अनूप ऑफिस से आने वाले होंगे, देखिए मेटू पापा के आने की ना देखिए आवाज आ रही है ना समझ जाता है कि अनूप के आने का टाइम हो गया है, ये है चौलाई ठीक है, ये देखिए चौलाई के पत्ते इनको तोड़कर काट करके और ये अदरक और लहसुन इसमें खूब सारा डालूंगी पतौड़े में और हरी मिर्च ये तीनों चीजें मैं पीस लूंगी ठीक है। ये देखिए पेस्ट तैयार हो गया है मेरा और मैं चौलाई अब इस चौलाई को तोड़ करके डंडियां डंडियां इसके काट लेती हूँ धो करके ठीक है ना। बताइएगा चौलाई के पतौड़े कौन कौन बनाता है ठीक है। चौलाई का साग देखिए मेरा बारीक बारीक चौलाई का साग अच्छे से काटा, उसमें अदरक लहसुन मिर्च हरी मिर्च और हींग हल्दी धनिया मिर्च गरम मसाला ये सब चीजें इसमें डाल ली है मैंने, लहसुन जरूर डालिएगा इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसको बेसन डाल के मैश कर लेती हूँ। मैंने नीचे कढ़ाई में या भगोने में जिसमें भी आप पानी रखेंगे नीचे पानी रख दिया है, ऊपर छलनी है उस पर मैंने ऑयल लगा दिया है, इसको ढक देंगे पतौड़े जब भाप में बनाऊंगी तो ठीक है ना। पता है आप इसमें बेसन मिलाए ना, जब बेसन मिलाएं तो ज्यादा बेसन नहीं मिलाइएगा नहीं तो पतौड़े भी कर्रे हो जाएंगे, बहुत कम बेसन पड़ेगा। ये देखिए इसको अच्छे से चौलाई और सब डाल के इसके चाहे आप गोल या लंबे में गोल बना के इसको भाप पर रखूंगी मैं ठीक है ना,
बेसन ज्यादा हो जाता है ना तो पतोड़े टाइट टाइट से हो जाते हैं। इसको देखिए मैं लंबा शेप दे दूंगी इस तरीके से, आप जितना छोटा या मोटा पतोड़ा टाइप का इस टाइप का बनाना चाहें। ये देखिए इसको मैं भाप में रख देती हूँ उबलने के लिए। जब तक मेरे पतोड़े भाप में पक रहे हैं इसको मैं ढक देती हूँ। और ये देखिए मेरे पतोड़े पक रहे हैं, बर्तन देखिए कितने सारे हैं। मैं जब तक बर्तन धो लेती हूँ, ठीक है ना, बर्तनों का काम भी बहुत वैसा लगता है बर्तनों का भी, ठीक है ना। जब तक मेरे बर्तन धुल जाएंगे पतोड़े, फिर मैं चाय अनूप आ चुके हैं ऑफिस से, तो अनूप को मैं चाय और पतोड़े का नाश्ता करते हैं। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए चाय और पतोड़े, बताइएगा कौन कौन इस तरीके से मेरे जैसे पतोड़े बनाता है, ठीक है ना। और बताइए चल अरबी के पत्ते भी बनते हैं ना, बहुत टेस्टी लगते हैं अरबी के मैं लपेट करके बनाती हूँ, लपेट कर बहुत अच्छे लगते, काट के बनाते हैं अरबी के। आप लोग बताइएगा किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। बर्तन धो लूं जब तक मैं चाय रख दी है, हम लोग थोड़ी चाय पीते हैं आधा आधा कप मुश्किल से, ठीक है ना, टेस्ट के लिए। और ये मैंने चाय तैयार कर रही हूँ, अब आ जाइए पी लीजिए। और देखिए इसमें अदरक, दालचीनी और काली मिर्च और लौंग और एक सफेद इलायची, ठीक है ना, डाल लीजिए चाय में अपनी। ये पतोड़े मेरे रेडी हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसके हम पीसेस कर लेते हैं और मिट्टू मांग रहे हैं हमारे खाने को, मिट्टू को तो ना दिन भर खाने को ही देते रहो देते, ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे, अभी और काट लेते हैं। और देखिए मेहुल के फ्रेंच फ्राई, मेहुल बस नाश्ते में शाम को ये जरूर खाते हैं आजकल, फ्रेंच फ्राइज तैयार हो रहे हैं मेहुल के, बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ये फ्रेंच फ्राई, है ना। तो इधर अभी मैं और काट लेती हूँ पतोड़े, एक तरफ पतोड़े तले जा रहे हैं, एक तरफ फ्रेंच फ्राई, और मेरी चाय पक चुकी है अच्छे से। अब हम बैठ के आराम से नाश्ता करेंगे। तो खा लीजिए यम्मी पकौड़े पतोड़े, चौलाई के पतोड़े, देखिए ये अनूप को दे दिए, पता है अनूप को इस टाइप के पसंद है, ज्यादा करारे करारे सिके हुए, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, मुझे थोड़ा सा कम पसंद है सिके हुए, हल्के से सिके पसंद है, तो मैं अपने थोड़े से हल्के से सिके बनाऊंगी, मुझे ज्यादा करारे पसंद नहीं है।